हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। तो गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइस आप अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे नोटपैड ऑन कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने पीसी या लैपटॉप में नोटपैड ऑन कर सकते हो। तो चलते हैं गाइस, यहां से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, जो लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक या सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता ही रहता हूँ। अगर साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर आईडी arimoy383 है। तो गाइस, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम का, आप लोग वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते गाइस, यहाँ से वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले करना क्या है आप लोग को, आप नीचे में स्टार बटन देख रहे हो, सिंपल स्टार बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से स्टार बटन जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप लोगों को भी सिंपल स्टार बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से देख एक्सेलेरेटर का बटन एक ऑप्शन होगा, सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ से नोटपैड आप लोग को एक लिखा हुआ आएगा, यहाँ देख सकते हो, सिंपल नोटपैड पे क्लिक करना। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हो, नोटपैड ऑन हो चुका है आपके पीसी में। सिंपल देख सकते हो, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो अपने नोटपैड में। इसमें लिखने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन, इससे आप बड़ा कर सकते हो और ये भी मैक्सिमाइज बटन से छोटा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइस, आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, बगल में मैक्सिमाइज के बगल में मिनिमाइज बटन है, इस पर क्लिक कर देख सकते हो, मिनिमाइज हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से फिर लाता हूँ। उसके बाद गाइस, आप लोग चाहते हो इसको कट करना, नोटपैड को बंद करना चाहते हो, तो सिंपल ऊपर से देख सकते हो क्रॉस का एक सिंबल है रेड कलर में, इस पर क्लिक करना। यहाँ से डॉन्ट शेप पे क्लिक करके यहाँ से बंद कर देना। तो गाइस, आप इसी तरह से नोटपैड ऑन कर सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप में। एक और तरीका मैं बताता हूँ ऑन करने के लिए नोटपैड। सिंपल गाइस, करना क्या है, फिर से नोटपैड यहाँ से स्टार बटन पे क्लिक करना। स्टार बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सर्च बार है, सर्च बार में जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को लिखना है नोटपैड। सिंपल नोटपैड लिखने के बाद आप लोग ऊपर में देखने को मिलेगा नोटपैड, सिंपल इसको ऑन कर लेना। उसके बाद गाइस, इसको बड़ा कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ से जो भी चाहते हो लिखना लिख सकते हो। उसके बाद गाइस, आप लोग को इसको सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एस से आप सेव भी कर सकते हो, नहीं तो गाइस आप लोग सिंपल यहाँ से सेव कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो, कट के ऑप्शन पे गए, यहाँ से सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से आप लोग को कुछ भी नाम दे सकते हो फाइल का। यहाँ से मैं वन नाम दे देता हूँ, उसके बाद सेव कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग चाहते हो जो सेव किया हुआ नोटपैड में जो लिखा है उसको देखना, तो सिंपल माई कंप्यूटर ओपन करना है। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद गाइस, डेस्कटॉप में जाना है। उसके बाद डाउनलोड देख सकते हो सबसे नीचे में, तो आप लोग यहाँ से नीचे में देख सकते हो रिजेक्टेड प्लेस का ऑप्शन है, इस पर आना। इस पर आने के बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होगा, सिंपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये मेरा जो नोटपैड था, मैंने जिस नाम से सेव किया था, यहाँ से ओपन हो गया। तो गाइस, आप इसी तरह से देख सकते हो नोटपैड का जो सेव किया है, इसी तरह से ओपन कर सकते हो बाद में। तो गाइस, आप इसी तरह से नोटपैड ऑन कर सकते हो। गाइस, आप लोग नोटपैड ज़्यादा यूज करते हो और आप लोग चाहते हो कि आप अपना नोटपैड डेस्कटॉप पे ही रखना शॉर्टकट की करके, तो गाइस मैं इस वीडियो में वो भी बता देता हूँ। तो गाइस, करना क्या है, आप लोग सिंपल स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं सिंपल स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से नोटपैड लिखना है, सिंपल नोटपैड लिखना है। नोटपैड लिखने के बाद गाइस, आप लोग को करना क्या है, माउस के राइट बटन को प्रेस करके सिंपल यहाँ से इसको उठाकर डेस्कटॉप पर रख देना। तो ये देख सकते हो, इसका शॉर्टकट बन चुका है। ये देख सकते हो नोटपैड का जो है, इसका शॉर्टकट बन चुका है। और मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ नोटपैड, सिंपल यहाँ से देख सकते हो इस तरह से ओपन भी हो गया। उसके बाद गाइस, आप लोग यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। तो गाइस, आप इसी तरह से नोटपैड ऑन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और गाइस, आप लोग सेव भी करना मैं बता दिया। और गाइस, आप लोग शॉर्टकट चाहते हो कि डेस्कटॉप पे नोटपैड का शॉर्टकट रखना है, तो आप लोग यहां से वो भी रख सकते हो। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके